एसीबी ने बीकानेर में पेट्रोल पंप की एनओसी देने के बहाने पंप मालिक से 50,000 रुपए रिश्वत लेने वाले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के एक्साइज और तकनीकी अधिकारी को गुरुवार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की गिरफ्त में आए आरोपी एक्साइज दान सिंह और तकनीकी अधिकारी सीताराम वर्मा है। दोनों आरोपियों ने बीकानेर में एक पेट्रोल पंप की एनओसी देने के बदले रिश्वत की रकम ली थी। एसीबी सर्च में आरोपी तकनीकी अधिकारी सीताराम वर्मा के घर से पुलिस ने 47,75,000 रुपए बरामद किए हैं। एसीबी आईडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ बुधवार को बीकानेर निवासी पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसका सत्यापन करने के बाद गुरुवार दोपहर में अजमेर रोड डीसीएम स्थित मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के ऑफिस में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया था। वहीं दूसरी ओर एसीबी ने सीजीएसटी विभाग में नोटिस का जवाब स्वीकार करने की एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले अधीक्षक राम स्वरूप और निरीक्षक सुनील को भी रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पीड़ित से रिश्वत लेकर ऑफिस के लॉकर में छिपा दिया था। एसीबी ने करीब 2 घंटे तलाश करके लॉकर नकदी बरामद किए हैं। फिलहाल एसीबी अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। कल राजस्थान एसीबी द्वारा सीजीएसटी ऑफिस जयपुर और मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट, इसमें कार्रवाई की गई थी, जिसमें 4 अधिकारियों को पकड़ा गया था। जयपुर एसीबी एसपी हरिंद्र महावर द्वारा कल चारों अधिकारियों की जयपुर के घरों पर तलाशी ली गई थी। उसमें काफ़ी संपत्ति का खुलासा हुआ है। जो सीताराम वर्मा टेक्निकल ऑफिसर है, उनके घर में 48 लाख कैश की रिकवरी हुई है। इसके अलावा इनके 4 मंजिला मकान और 3 4-व्हीलर व्हीकल्स, काफ़ी ज्वेलरी और काफ़ी प्लॉटों के कागजात मिले हैं। इसके अलावा इनके एक लॉकर मिला है। लॉकर की सर्च आज की जाएगी। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के केस के बारे में भी तफ्तीश की जाएगी, जांच की जाएगी।